रिमूव हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं हम लोग। जी है नहीं, नहीं देखिए सॉल्विंग वाली बात नहीं है यहाँ पे। जैसे कि जब एक्स वाई वाला टर्म रिमूव हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, है ना, जब एक्स वाई वाला टर्म रिमूव हो जाएगा तो रिमूव होने के बाद जो नया इक्वेशन मिलेगा उस नए इक्वेशन को खाली हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के टर्म में लिख रहे हैं, है वही वो। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि ए स्मॉल एक्स स्मॉल कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से में रिलेशन है। बात समझ में आई ना? मतलब कि अगर आपने कहीं कैपिटल एक्स लिखा है इसका मतलब ये भी है, स्मॉल एक्स भी यहाँ पर है भाई, यहाँ से निकाल सकते हैं ना, रिलेशन है ना। यहाँ से हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के टर्म में भी लिख सकते हैं। बस इतना ही है यहाँ पे कि जब हमने उसको रिमूव किया तो जो नया इक्वेशन बना उसको मैं नए एक्सिस के रूप में लिख रहा हूँ, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रूप में लिख रहा हूँ। बस इतनी ही बात हो रही है इसमें, है ना। आप ये मत घबराइए कि सर एक्स वाई को रिमूव करना है तो यहाँ पे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई रिमूव होता हुआ दिख रहा है, ऐसा कोई नहीं। जब ये रिमूव हो जाएगा तो जो नया इक्वेशन एक्स स्मॉल वाई में ही जो मिलेगा उसको मैं नए एक्सिस के रूप में लिख रहा हूँ, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रूप में। बस इतनी ही बात है। हैं आंसर इवे करेगा कुछ ना कुछ, उसे आंसर बता दूँ आप लोगों को कितना आएगा। ठीक है कुछ लोगों ने कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। जो कर लिए हैं वो मिला सकते हैं। उनका ये पैराबोला का इक्वेशन आया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एक्स अपान रूट टू, है ना। हाँ वही है भाई, था भाग दे दीजिए, वो था पैराबोला के फॉर्म में लिखा है। जब इसको आप रिमूव करेंगे जो इक्वेशन आपको मिलेगा है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एक्स अपान रूट टू। क्लियर है? ठीक है भैया। चलिए अब क्वेश्चन लिखेगा रिड्यूस द इक्वेशन। अब इसमें कैनोनिकल फॉर्म में मिलाने जा रहा हूँ, ठीक है। रिड्यूस द इक्वेशन 3x² प्लस का 2xy, रिड्यूस द इक्वेशन 3x² प्लस का 2xy प्लस का 3y² माइनस का 16x प्लस का 20 इज इक्वल टू जीरो। रिड्यूस द इक्वेशन 3x² प्लस का 2xy प्लस का 3y² माइनस का 16x प्लस का 20 इज इक्वल टू जीरो टू द कैनोनिकल फॉर्म। एंड डिटरमाइन द नेचर ऑफ द कॉनिक ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको एक नया तरीके से क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें आपको कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है। मैंने पहले ही बोला था कैनोनिकल फॉर्म मतलब कि जैसे आप यहाँ प्राप्त कर रहे हैं एक्स वाई टर्म अब्सेंट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, है ना, उसी रूप का आपको कैनोनिकल फॉर्म, उसी को बोलते हैं हम कैनोनिकल फॉर्म। लेकिन अब उसको कैसे हम यहाँ पे उसको प्राप्त कैसे करेंगे, है ना, कैसे हम गिवन इक्वेशन आप कॉनिक को कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो देखो अब जो करना है वो सब कर चुके हैं आप, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो करना है आप सब कर चुके हैं। मतलब बस बता दूंगा क्या करना है, है ना। तो आप बोलेंगे हाँ सर ये तो आता मैं कर लूँगा। ये करना क्या है आपको, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया इसको कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। बात समझ में आ रही? क्या करना है इसको, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आता है, कैसे करते हैं पता है आपको, इसका सेंटर निकालते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़, इसका क्या निकालते हैं, सेंटर। और सेंटर निकालते हैं, सेंटर निकालने के बाद आप सी डैश निकाल देते हैं। तीन तरीके बताए हुए हैं आप लोगों को, है ना। सी डैश आप निकाल देते हैं, फार्मूलेस निकालेंगे आसानी से आप निकाल लेंगे। सी डैश निकालते हैं फार्मूला जी एक्स डैश प्लस एफ वाई डैश प्लस सी। जैसे ही सी डैश मिल जाता है तुरंत जो सेकेंड डिग्री के टर्म है उसमें प्लस सी डैश करके लिख देते हैं जीरो, तो वो क्या जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे हो जाएगा बस काम खत्म, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या करना, दूसरा स्टेप अभी जो मैं आपको बताया हूँ, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा आप तुरंत वहाँ पे अब वहाँ से ए बी एच का मान लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से ए बी एच का मान लिखेंगे और तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे टैन टू थीटा बराबर, मतलब सेम यही वाला, और ये सेम वाला लगा देंगे जो इक्वेशन लास्ट में मिलेगा वही क्या हो जाएगा कैनोनिकल फॉर्म।
तो वही जो कर रहे हैं वही कैनोनिकल फॉर्म है, लेकिन जब आपको कैनोनिकल फॉर्म में कहेगा तो सबसे पहला काम रहेगा कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, एक एक्स्ट्रा स्टेप जो आप कर चुके हैं पहले वो कर देंगे, और जो मैं आज अभी बताया हूँ आप लोगों को वो कर देंगे, काम खत्म, कैनोनिकल फॉर्म में हो जाएगा। चलिए करके देख भी लेते हैं, है ना। नेचर ऑफ द कॉनिक भी कहा है, तो जो आप जानते हैं बताना है कि पैराबोला है कि इलिप्स है क्या है ना, वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताओ क्या है, इसमें ए बराबर कितना है 3, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, है ना। एच बराबर 1 है, पी बराबर 3 है ना, जी बराबर माइनस का 8 है, एफ बराबर 0 है, सी बराबर 20 है। क्लियर है सबको कि वाई है ना, 2fy वाला टर्म यहाँ पे एबसेंट है, तो एफ बराबर 0। अब क्या निकालेंगे, डेल, क्या निकालेंगे, डेल, फार्मूला ए बी सी प्लस का 2fgh याद होगा आप लोगों को, माइनस का ए एफ स्क्वायर माइनस का बी जी स्क्वायर माइनस का सी एच स्क्वायर, है ना। तो आप रख के सॉल्व कर लेंगे, ये नॉट इक्वल टू 0 वाला फॉर्म आपको दिखाई देगा। भाई सबकी वैल्यू पता है, आप मैंने लिख दिया है, रख के आप सॉल्व कीजिएगा, बस इतना मतलब रखना है कि इक्वल 0 आएगा कि नॉट इक्वल 0 आएगा, तो आप देखेंगे क्या आएगा, नॉट इक्वल 0 मतलब कोई नन जीरो वैल्यू आएगी, नन जीरो वैल्यू, है ना। अब एच स्क्वायर निकालेंगे, तो एच स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1, फिर ए बी निकालेंगे, तो ए मतलब 3 और बी मतलब 3, तो कितना 9, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, है ना। जब डेल इज नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी हो, तो ऐसे केस में क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिप्स, क्लियर है ना। तो इसको मैं इसलिए किया, देखो कैनोनिकल फॉर्म से इसका मतलब नहीं है, कैनोनिकल फॉर्म जब कहेगा तो आपको ये सब पता करने की जरूरत नहीं है कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में बढ़ा दिया है लास्ट में उसने बोला है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द कॉनिक, है ना, कॉनिक के नेचर को भी आप बताइए, मतलब क्या है ना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैंने इसको किया। और क्वेश्चन में खाली बोलेगा कैनोनिकल फॉर्म, तो ये नहीं कि आप लोगेंगे इसको भी छापने, कोई मतलब नहीं है, छाप देंगे तो आपको फांसी नहीं चढ़ा देगा कोई, है ना, लेकिन फालतू समय क्यों बर्बाद करें, इसकी वजह से नंबर आपको मिलने वाला नहीं है, जो पूछा है उस पर ही नंबर मिलेगा। अच्छा ये काम हुआ, अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट, है ना। एक बार फिर आप लोग देख लीजिए कि पूरा सिस्टम, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, क्लियर है, पार्शियली इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे मिलेगा 6x प्लस का 2y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन कर लेंगे 3x प्लस का y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्लियर है। और विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे मिल जाएगा 2x प्लस का 6y, ठीक है ना, और इज इक्वल टू 0, तो आपको मिल जाएगा x प्लस का 3y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3, क्लियर है। सब लोग मिलाते रहिएगा भैया, है ना, क्योंकि वो मिस्टेक हो सकते हैं किसी से भी। तो ये हो गया, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो फ्रॉम टू एंड थ्री, तो 2 को मैं एकदम ज्यों का त्यों लिख दे रहा हूँ, 3x प्लस का y और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, और 3 में मैं 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ, तो जाएगा 3x प्लस का 9y है ना इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है ना, और यहाँ कोई टर्म ही नहीं है, तो यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा, और y माइनस 9y माइनस का 8y और माइनस का 8 इज इक्वल टू, क्लियर है भैया, तो यहाँ से कितना आएगा y का वैल्यू, माइनस का 1, यही ना आएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 1, सॉल्व कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो y की वैल्यू माइनस 1 है, इसको इक्वेशन 2 या 3 में क्या कर देंगे, आप पुट कर देंगे, बहुत सिंपल, देखिएगा आप इक्वेशन 2 और 3 में पुटअप कर दीजिए, चाहे 2 या 3 में, तो मैं 3 में ही पुटअप कर देता हूँ, आसान दिख रहा है। तो फ्रॉम 3, अगर 3 से हम जाएंगे, एक्स प्लस का 3 वाई की वैल्यू है माइनस की 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3, तो एक्स की वैल्यू मिल गई 3, वाई की वैल्यू मिल गई माइनस की 1, जो सेंटर हो जाएगा, उस सेंटर को अगर मैं लिखूं एक्स डैश कमा वाई डैश के रूप में, तो एक्स डैश मतलब वही एक्स की वैल्यू 3 और वाई डैश की वैल्यू मतलब वही वाई की वैल्यू माइनस की 1, तो ये हो गई सेंटर, सेंटर मिल गया, आप तुरंत निकाल दीजिए सी डैश। तीन तरीके हैं, दो तरीके सी डैश निकालने के, एक तरीका बिना सी डैश निकाले डायरेक्ट कन्वर्ट करने का, जो कंसेप्चुअल तरीका है, है ना। सी डैश निकालने का फार्मूला, दो फार्मूला बताया गया आपको, एक फार्मूला आपका है क्या, जी एक्स डैश प्लस का एफ वाई डैश प्लस का सी, और दूसरा फार्मूला है डेल अपान ए बी माइनस एच स्क्वायर, है ना, ए सी डैश निकालने का। और उसके बाद एक तरीका डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से चलेंगे, तो हम लोग करते क्या है, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, रिड्यूस करते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस 3 से, और वाई को रिप्लेस कर देंगे वाई माइनस 1 से, एक्स प्लस एच वाई प्लस की, है ना। जैसे रिप्लेस कर देंगे इसी में, एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस 3 से,
y को रिप्लेस कर देंगे y माइनस वन से, रिप्ले रखने रख देंगे, सॉल्व कर देंगे आप, तो आपको तुरंत स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा, है ना। लेकिन एक काम है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, क्योंकि आप सब में रखेंगे ना x y सब सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर सब लगाएंगे आप। और इसमें बहुत से खतरनाक लोग हैं जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर सारे गड़बड़ कर देंगे, है ना, हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। तो सी डैश का फार्मूला जी एक्स डैश सबसे सही यही है, एफ वाई डैश प्लस का सी, तो जी जी है माइनस का एट, माइनस का एट एक्स डैश है आपका थ्री, प्लस एफ, एफ है जीरो, कोई मतलब ही नहीं है, और प्लस सी, सी है आपका ट्वेंटी, तो यह आपका माइनस का ट्वेंटी फोर प्लस का ट्वेंटी माइनस का फोर आ गया, कितना आ गया माइनस का फोर। तो ये जब आ गया तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब कैनोनिकल फॉर्म कहेगा तो कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले गिवन इक्वेशन ऑफ कॉनिक को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने कर लिया, क्या हो जाएगा बताइए, तो जो सेकेंड डिग्री टर्म में लिख देते हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई और प्लस का थ्री वाई स्क्वायर और प्लस का सी डैश, तो सी डैश है माइनस का फोर इज इक्वल टू जीरो, यहाँ कर देंगे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई प्लस का थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, इसको इज इक्वल टू वन के रूप का बनाएंगे, ठीक है ना। तो जाएगा थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायर प्लस का वन बाई टू एक्स वाई प्लस का थ्री बाई फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है जब कैनोनिकल फॉर्म कहेगा, कैनोनिकल फॉर्म जब कहेगा तो पहला स्टेप यही है कि हम गिवन इक्वेशन ऑफ कॉनिक को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करें, कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो अब लगभग पाँच छः दिन से खाली स्टैंडर्ड फॉर्म लगभग रोज़ कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं इससे रिलेटेड, तो ये सब चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए, सब चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। अगर देखा जाए तो आप जो है एक ही तरह के क्वेश्चन को 10-12 बार रिपीट कर लिए हैं, अगर अपने से पढ़े होंगे तो 20-25 बार हो गया होगा, फिर भी रिवीजन की बात करते हैं आप लोग, है ना, हो जाना चाहिए लेकिन हुआ नहीं, ठीक है भैया बोलिएगा, कल ये मिटा दें इसको। अब क्या करना है, अब आज का स्टेप जो मैं आपको आज बताया हूँ, है ना, कई बार ऐसे ही बता दिया क्या करना है, एक क्वेश्चन में करके दिखा दिया, तीन चार बार तो ऐसे ही हो गया, और ये पांचवी बताने जा रहा हूँ एक ही टाइप के क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे देखो मतलब साफ है, अगर आप लोग मन से क्लास में ही खाली मन से बैठे रहें यहीं पे कोचिंग में या कहीं भी क्लास चलता है, अगर मन से बैठे रहेंगे ना घर पे बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अच्छे नंबर से खाली पास होना है ना, तो आराम से आप ऐसे ही निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन एक्चुअली आप लोग मन से पढ़वा नहीं करते हैं, समस्या तो ये है ना, बैठे रहते हैं सोचते हैं बस खाली लिख लें, लिख लेते हैं बस काम ख़त्म, उसी में बात भी चल रहा है, लिख भी रहे हैं, सब कुछ चलता है आप लोगों का। ध्यान दीजिए, अब जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब इसमें से एक्स वाई वाला टर्म क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो जो लोग बाद में आए वो देख लें कैसे एक्स वाई वाला टर्म क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो आइए एक्स वाई वाला टर्म रिमूव करते हैं, एक्स वाई टर्म रिमूव करने के बाद जो इक्वेशन आपको मिलेगा, है ना, वही होगा, है ना, कैनोनिकल फॉर्म, वही होगा कॉनिक का इक्वेशन इन कैनोनिकल फॉर्म। तो आइए तुरंत अब यहाँ से फिर से ए बराबर कितना, भाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, आपका बड़ा मन है तो आप कैपिटल ए में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उसी तरह से ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। एच इक्वल टू कितना, वन बाई फोर, क्लियर है ना, क्योंकि टू एच इज इक्वल टू हाफ है, वन बाई टू है, और बी इक्वल टू कितना, क्लियर। ऐसे हमला क्या बताया था मैंने आप लोगों को, टैन टू थीटा बराबर आज है ना टू एच अपान ए माइनस बी, इसको डिराइव कराया हूँ, तो टू एच, एच मतलब वन बाई फोर, और a माइनस बी थ्री बाई फोर माइनस थ्री बाई फोर, है ना। एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम करके आपको 45 ही मिलने वाला है, तो a ऊपर कुछ गया मिले भाड़ में गया कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीचे जीरो मिल रहा है मतलब ये इन्फिनिटी मिल जाएगा, या टेन पाई बाई टू है, तो इस तरीके से टू थीटा बराबर पाई बाई टू, देन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर, तो ऐसे ही आपको थीटा मिल जाएगा। इतने एंगल से रोटेट करवा देंगे तो इसमें एक्स वाई टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिए, नाउ x इज इक्वल टू, फार्मूला क्या बताया था, x इज इक्वल टू कैपिटल x cos थीटा माइनस कैपिटल y sin थीटा,
एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल x साइन थीटा और प्लस का कैपिटल y कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला, देखिए आप एक कैपिटल x कॉस पाई बाई फोर और माइनस का कैपिटल y साइन पाई बाई फोर, यहाँ पे भी वही हाल, कैपिटल x साइन पाई बाई फोर और कैपिटल y कॉस पाई बाई फोर, मतलब वन अपॉन रूट टू होता है इनकी वैल्यू, तो वन अपॉन रूट टू कैपिटल x माइनस कैपिटल y और स्मॉल y इज इक्वल टू है ना वन अपॉन रूट टू और कैपिटल x प्लस कैपिटल y, है ना। तब वो तो नहीं आता, बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, है बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत आसान काम है ना। तो देखिए यहाँ पे, और मेरे पढ़ाने का मैं खुद कोशिश हमेशा करता हूँ ना कि जो चीज़ बाद में भी आता है इससे रिलेटेड या जो चीज़ कभी आने वाला है मैं बताते रहता हूँ कि आएगा बाद में आएगा। अगर मैं सब काउंट करूँ तो 100-150 बार दोहरा देता हूँ खाली ऐसे ही, होता है ना 100-100 बार अब रिवीजन कर देते हैं। अब ना सुने तो दूसरी बात है, अगर सुनेंगे तो कम से कम 100 बार कान में गूंजेगा आपके वही बात, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर ध्यान रखिए भैया, अब ये उठा कर आप इसमें क्या कर दीजिए, पुटअप कर दीजिए, ठीक है ना। इसे इक्वेशन नंबर स्टार कर दीजिए, फ्रॉम स्टार बात नहीं, फ्रॉम स्टार 3/4, ठीक है भैया, और 1/√2 एक्स माइनस का वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 1/2 और एक्स की वैल्यू 1/√2 और कैपिटल एक्स माइनस का कैपिटल वाई, फिर 1/√2 कैपिटल एक्स प्लस का कैपिटल वाई और प्लस का 3/4 और स्मॉल वाई की वैल्यू 1/√2 और कैपिटल एक्स प्लस का कैपिटल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हल्का सॉल्व कर दीजिए, तो जब सॉल्व करेंगे ध्यान रखिएगा, कर ही देते हैं पहले, ये 1/2 आएगा 3/8 हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, यहाँ मिल जाएगा फिर 1/4, ठीक है ना, 1/4 और एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा, ये देखिए ये टोटल का बेटा स्क्वायर है, यहाँ मिल जाएगा आपको 3/8 एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। तो आप 8 ले लीजिए एलसीएम, 8 ले लीजिए एलसीएम, तो जब 8 आप एलसीएम ले लेंगे तो मिलेगा 3x² प्लस का, है ना, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3x² प्लस का 3y² माइनस का 6xy। जब 8 एलसीएम लेंगे यहाँ 2 मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2x² माइनस का 2y², आप 8 एलसीएम लिए तो यहाँ मिलेगा 3x² प्लस का 3y² प्लस का 6xy इज इक्वल टू 8, जो एलसीएम आपने लिया है। क्या कटा भैया, इससे यह कट गया, एक्स वाई टर्म गायब हो गया, है ना, आपको बताया था ना कि एक्स वाई टर्म रिमूव कैसे करते हैं, यही एक्स वाई टर्म रिमूव करने का प्रोसेस भी यही है, यह गायब हो गया। अब क्या हुआ देखिए, 3x² 2x² 5x² और 5 और 3 कितना जाएगा 8x², ठीक है ना। अब वाई स्क्वायर देखिए, 3y² माइनस 2y² मतलब केवल y² और 3y² मतलब 4y², क्लियर, 4y² इज इक्वल टू 8। आप इसको फंसा और अच्छे से लिखना अगर चाहें तो छोड़ दें यहीं पे, और अच्छे से तो आप लिख सकते हैं x² / 1 है ना, और प्लस का y² / 2 इज इक्वल टू 1। क्या मिल गया, छाप लीजिए, क्या बात है, सही है, लिख दिए तो क्या हो जाएगा, कर लीजिए भैया। कन्फोकल कॉनिक्स, लिख लिए ना आप लोग, ठीक है, कन्फोकल कॉनिक्स। अब था ध्यान दीजिएगा कि कन्फोकल कॉनिक्स क्या होता है, ध्यान समझिए, कन्फोकल कॉनिक्स क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है।
देखिए ऐसे दो कॉनिक्स, कॉनिक्स में क्या आता है, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स। तो ऐसे दो कॉनिक्स जिसके फोकस क्या आए, सेम आए, है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर, जैसे अभी मैं आपको मेन आपको पढ़ना है यहाँ पे एलिप्स के बारे में, यहाँ मेन क्या वही सिलेबस है आपका, है ना। आपको एलिप्स के कन्फोकल कॉनिक्स को पढ़ना है, मतलब कि ऐसे सभी एलिप्स के बारे में आपको देखना है जिनके फोकस क्या आएंगे, सेम आएंगे। फोकस जो आप निकालेंगे क्या आएगा, सेम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मैं बात लेके चलता हूँ यहाँ पे, तो आपको भी ड्राइव करना है, मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा आपको कि एलिप्स का इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म यह होता है, यह होता है। तो ऐसे कितने एलिप्स होंगे जो इसके कन्फोकल होंगे, कन्फोकल मतलब ऐसे कितने एलिप्स होंगे जो वही फोकस, फोकस क्या उसको फोकी बोलें तो फोकस, क्योंकि उसमें डबल होता है, एलिप्स और हाइपरबोला में दो फोकस होते हैं तो उसका प्लूरल, ठीक है ना। तो ऐसे एलिप्स, ऐसे सभी एलिप्स है ना जिनके फोकी इसके फोकी के बराबर, ठीक है ना, इक्वल हो, सेम हो, एकदम एग्जैक्ट सेम हो, है ना, वो सभी के सभी इससे क्या कहलाएंगे, कन्फोकल। वो सभी के सभी इसके कन्फोकल होंगे, और ए, ओ और ए आपस में क्या कहलाएंगे, कन्फोकल कॉनिक्स। बात समझ में आ रही है ना, कन्फोकल कॉनिक्स कहलाएंगे। अब था ध्यान दीजिएगा, मैं एक चीज़ बताऊँगा आप लोगों को, आपने इंटरनेट पढ़ा हुआ है, जैसे ए आपको एलिप्स का इक्वेशन दे दिया, आपको निकालना है इनके फोकस एस और एस डैश, है ना, दो फोकस होते हैं, आपको उनको निकालना है। आप कैसे निकालते थे, जैसे मान लीजिए इक्वेशन दे दिया, आपको फोकस निकालना है, कैसे निकालेंगे बताइए। हाँ, इसेंट्रिसिटी, है ना, आपको इसेंट्रिसिटी का ज्ञान होना चाहिए, यही ना। इसेंट्रिसिटी का जब ज्ञान होगा तब आप निकालेंगे, क्योंकि जो यह जो इलिप्स है, जो जिस फॉर्म में लिखा हूँ, इसके लिए है ना जो फोकस होता है वो प्लस माइनस ए कामा जीरो, याद है ना आप लोगों को, है ना, ये सब इंटरेस्ट चीज़ें हैं, प्लस माइनस ए कामा जीरो। जहाँ पे ए तो तुरंत पता चल जाएगा यहाँ से, ए और बी जो भी चाहिए हमको, ई इसेंट्रिसिटी जो होता है उसको आप निकालते हैं, और उसके लिए आपने पढ़ा है रिलेशन, है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस सी स्क्वायर, या ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर वन माइनस सी स्क्वायर। ए तो डिपेंड करता है कि ए ग्रेटर है बी से कि बी ग्रेटर है ए से, क्लियर है ना, ए ग्रेटर है बी से कि बी ग्रेटर है ए से, आपको याद है कि नहीं, अच्छा बताइए। अच्छा एक चीज़ बता दीजिए मुझे और आप लोग, एलिप्स के लिए जो इसेंट्रिसिटी ई होती है, पैराबोला में आपने पढ़ा होगा, देखिए मैं बता दूँ बहुत कन्फ्यूजन होता है आपके लेवल पर, जब आप इंटरनेट पढ़ते हैं, जब पैराबोला का क्वेश्चन करना होता है, फोकस, वर्टेक्स, ये सब तमाम चीज़ें निकालनी होती है ना, तो मैं देखता हूँ बड़ा समस्या होती है आप लोग, बहुत समस्या होती है। लेकिन आप देखते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन लग जाता है पी एस इज इक्वल टू ई पी एम पे ही लगता है, और पैराबोला के लिए ई इज इक्वल टू कितना होता है, वन होता है, क्लियर है ना आप लोगों को। पैराबोला के लिए जो इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, वन के बराबर होती है। तो पैराबोला के क्वेश्चन जो सॉल्व होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे डायरेक्टली पी एस बराबर पी एम पे सॉल्व होते हैं, पी एस और पी एम सब समझते हैं ना, मत समझे कोई बात नहीं है, जो समझ रहे हैं वो भी हाँ कहें, जो ना समझें वो भी हाँ कहें, ठीक है, आपने पढ़ा है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। तो पी एस इज इक्वल टू पी एम से आपने लगाते हैं, और यही सब में चलता है, एलिप्स में भी यही फार्मूला चलेगा, मेन देखो यही फार्मूला है, और हाइपरबोला में भी यही चलेगा, पी एस बराबर ई पी एम, पी एस बराबर ई पी एम, बस पैराबोला में इक्वल टू वन हो जाता है। एलिप्स के लिए ई का वैल्यू कितना होता है, लेस देन वन, और हाइपरबोला के लिए ई की वैल्यू ग्रेटर देन वन, ठीक है ना। अच्छा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एलिप्स के लिए ई की वैल्यू लेस देन वन है ना, एलिप्स के लिए, हाइपरबोला के लिए ई की वैल्यू ग्रेटर देन वन हाइपरबोला के लिए, और पैराबोला के लिए ई इज इक्वल टू वन। ये हमारे पास कॉनिक्स हैं, तीनों कॉनिक्स के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या है ना, ये हम बता लेते हैं इस तरीके से। पैराबोला के लिए एकदम एग्जैक्ट इक्वल टू वन, और एलिप्स के लिए वन से लेस कुछ भी हो सकता है, और हाइपरबोला के लिए है ना ई से वन से ग्रेटर कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि भाई कैसा इक्वेशन है, क्या है ना, है ना। अब वो सब छोड़िए, सर्कल की बात हम छोड़ते हैं, ठीक है। सर्कल के लिए ई बराबर जीरो होता है, क्योंकि जब आप रखेंगे तो आपको मिल जाएगा ए बराबर भी, किसी तरीके से देख सकते हैं, वो सब छोड़िए, यहाँ आप पहुँच गए यहाँ पे। अच्छा मैं आपको बताने वाला हूँ ना, इससे कि मान लीजिए ए इज ग्रेटर देन बी था, कन्फ्यूजन मैं देखना चाहता हूँ, कितना कन्फ्यूज है आप, है ना, ए ग्रेटर देन बी तब ए बी और ई में क्या रिलेशन होता है, क्या बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, कन्फर्म है कि ऐसा होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, यही तो ए वाला कब होगा, जब बी ग्रेटर देन ए होगा, यही ना, यही चीज़ें होंगी ना।
तो मुझे बताइए कैसे पता करते हैं आप। मैं तो बड़ा कन्फ्यूज रहता हूँ इसको लेकर कि ए ग्रेटर देन बी पे ए वाला है कि ये वाला है, या बी ग्रेटर देन ए पे ए वाला है कि ये वाला है। आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होता क्या? मुझे तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ए स्क्वायर पहले है कि पहले बी स्क्वायर है, ऐसा बताइए। ये तो मतलब तो वही हो गया ना रट्टा टाइप में है ना, ये तो रट्टा टाइप में होगा ना कि नहीं चलो अगर बी लेस है ऐसे मैं चिन्ह बनाऊंगा है ना, ये तो वही बात होगी। मैं कैसे भी लिख दूँ, मैं इसको लिख दूँ बी लेस देन ए उल्टा कर दूँ तो मतलब तो वही पड़ेगा। लेकिन याद कैसे, मतलब कैसे, मतलब एग्जैक्ट दिमाग में बना रहे, कभी भूले ना। क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं इसके पीछे, कोई बच्चा बताया मुझे। देखिए मैं पहले ये चीज़ लिख चुका हूँ, मैं ये चीज़ पहले ही लिख चुका हूँ, पहले लिखा गया यहाँ पर, इसी से आप इसको याद रखेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे इज लेस देन वन है ना, इज लेस देन वन है, ई लेस देन वन। अगर आप देखिए अब इसी फॉर्मूले में रखिए ई लेस देन वन, जब ई लेस देन वन रखेंगे तो ए वैल्यू आएगी पॉजिटिव, आएगी कि नहीं आएगी है ना, ए वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। और ए वैल्यू जो है यहाँ पे भी ए भाई पॉजिटिव ही आएगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर समथिंग, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी और वो एक से क्या होगी छोटी होगी, क्या होगी एक से छोटी होगी। और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ मिलेगा आपको, मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, फिर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी जो एक से क्या होगी छोटी होगी। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मुझे बताइएगा आप लोग, बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे बी स्क्वायर है, अब बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर समथिंग, कोई क्वांटिटी यहाँ पर है जो एक से छोटी है, जो एक से क्या है छोटी, क्यों कैसे भाई यहाँ पे, क्योंकि ई की वैल्यू एक से कम है, तो एक से कम है तो उसका स्क्वायर करेंगे है ना, तो आपको क्या मिलने वाला है, वो भी एक से कम ही मिलेगा भाई, कुछ भी ले लीजिए एक से कम मिलेगा, और एक में से जब उसको घटाएंगे जो क्वांटिटी मिलने वाली है वो एक से कम मिलने वाली है। तो अब बताइए, से मान लीजिए कि आप खुद से बताइए, कैसे मान लीजिए मैं लिखा हूँ यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0.9 इंटू वाई, एक्स इज इक्वल टू 0.9 इंटू वाई, कौन बड़ा, एक्स बड़ा कि वाई बड़ा, कंफर्म ना बताइएगा समझ के है ना, कौन बड़ा है एक्स की वाई, कितने लोग पहले कंफर्म हो पा रहे हैं कौन बड़ा है एक्स की वाई, और कितने लोग कन्फ्यूज उसी में लहा रहे हैं, हाँ एक दो लोग बता रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ कि जो लोग समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बताएं, फिर बताइए एक्स बड़ा कि वाई बड़ा, भाई इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा समझिए, एक्स कम मिल रहा है ना, जब वाई में हम 0.9 से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, मतलब एक से छोटी क्वांटिटी से हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए अगर आपको समझना है कि कौन बड़ा है, एकदम सिंपल तरीका है, एकदम सिंपल तरीका, वाई की कोई वैल्यू रख दो उसी में, बस काम ख़त्म, एकदम कुछ सोचबे मत करिए आप, कौन बड़ा है ना दिमाग पे जो मत डालिए आप, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है दिमाग पे जो डालने के लिए। तो आप तुरंत वाई की वैल्यू क्या कर दीजिए, वहाँ पुटअप कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे वाई की वैल्यू पुटअप करेंगे, मान लीजिए मैंने 2 पुटअप कर दिया, कितना पुटअप कर दिया 2, वाई इक्वल टू क्या रख दिया 2, तो एक्स क्या मिलेगा, गुणा कर दो 1.8, अब बताओ कौन बड़ा, वाई ने बड़ा है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है, तुरंत आप देख के बता सकते हैं, क्या बात है, एक्स में 2 पुटअप कर देते हैं क्या करें, अरे क्या निकालेंगे, हम निकलेंगे कि आप निकलेंगे वहां से है ना भैया, आपकी मर्जी, आप एक्स की वैल्यू रख के चाहे वाई की वैल्यू निकाल लो, और चाहे वाई की वैल्यू पुटअप करके आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, और जैसे निकल जाएगी दोनों वैल्यू आप कंपेयर कर लीजिए कौन बड़ा है भाई, सीधे सीधे दिख जाएगा, क्लियर है ना, तो ध्यान रखिए भैया, ए इधर ध्यान दो आप। तो अब यहाँ पे क्या था, देखो ध्यान से देखो पहले, यहाँ पे क्या था, ए एक से कम है, अभी यहाँ पे तो वही चीज़ था एक्स इक्वल टू 0.9 वाई, तो आपने क्या देखा कि वाई ग्रेटर है, तो यहाँ से कौन ग्रेटर होगा, ए स्क्वायर ग्रेटर होगा बी स्क्वायर से, तो ए ग्रेटर देन बी पे आपका यही लगेगा। अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता तो समझिएगा, इसके लिए अगर ये लिख देता तो यहाँ से आता
क्या यहाँ से आता कि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, मीन्स बी इज ग्रेटर देन ए आता, बट आप केस इसके लिए बात कर रहे हैं तो उल्टा आता कि नहीं आता। तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयार रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। आप कभी भी थोड़ा सा एक मिनट समय देंगे, आप एकदम क्लियर करके बता देंगे कि कौन सा रिलेशन किसके लिए सही। भाई देखिए, वो फार्मूला जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई उसको करना चाहिए। मतलब उस फार्मूले में जब मैं ई की वैल्यू वन से लेस रखूं तो फार्मूला भी कहे कि हाँ भैया ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन ए है, फार्मूला खुद कहे, तब आप एकदम क्लियर रहेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी, आप भूलेंगे नहीं। थोड़ा सा एक लाइन का स्टेप होगा, थोड़ा करके देख लेंगे आप, क्लियर हो जाएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कभी भी, है ना। और रट्टा मारेंगे तो हमेशा कन्फ्यूज रहेंगे, हमेशा कन्फ्यूज रहेंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, और आगे बढ़ते हैं। ये सब घूम के आता जा रहा है ना अभी कन्फोकल कॉनिक से स्टार्ट करने के पहले। अच्छा चलो ये हो गया, चलो मैंने मान लिया कि इस केस में जो मैंने इक्वेशन लिया है कॉनिक का, ध्यान रखिएगा है ना, मैंने जो इक्वेशन ऑफ द कॉनिक, सॉरी इक्वेशन ऑफ द कॉनिक मतलब पैरा सॉरी इलिप्स, जो इलिप्स मैंने लिया है, मैं मान लेता हूँ कि इसके जो मैंने लिया है उसमें ए क्या है बी से, कुछ ना कुछ तो होबे करेगा ना, चाहे ए बी से ग्रेटर होगा चाहे बी ए से ग्रेटर होगा। मैंने ले लिया कि ए इज ग्रेटर देन बी। अच्छा बताओ जब ए इज ग्रेटर देन बी है, अच्छा चलो चलो इसके पहले एक क्वेश्चन कर लेता हूँ आपसे, मुझे बताओ आप लोग, मैंने बोला फोकस निकालने का जो फोकस होता है वो होता है प्लस माइनस ए कामा जीरो। तो जब फोकस आपको निकालना होता है तो आप ई निकालते हैं, बिना ई निकाले क्या फोकस निकाल सकते हैं? यही इक्वेशन आपके सामने दिया है, यही इक्वेशन आपके सामने दिया है, ध्यान समझिएगा, ए इक्वेशन आपके सामने दिया है। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर अपान फोर प्लस वाई स्क्वायर अपान नाइन इज इक्वल टू वन, मैं बोलूँ कि बिना सॉल्व किए बिना ई की वैल्यू निकाले फोकस बता दीजिए, कितने लोग बता पाएंगे अभी करंट में तुरंत? नाटक न करेंगे, नहीं सर हो जाएगा या कर लेंगे बाद में, ऐसा कुछ है ना, तुरंत एकदम कितने लोग बता सकते हैं, या कितने लोग ऐसा किए हैं कभी, वो भी बता देंगे मैंने किया है ऐसा। मतलब इलिप्स का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा, बिना ई कैलकुलेट के खाली इक्वेशन देखा और बता दिया फोकस क्या है, इक्वेशन देखते फोकस बता खाली हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात नहीं, मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको, है ना। आदमी कहेंगे अरे ये चीज़ें तो हम लोग बार बार करते थे पर ध्यान ही नहीं गया वहाँ पे, कर पाएंगे नहीं। आइए आगे देखते हैं, देखिए ध्यान से इसके लिए क्या, ध्यान दीजिए पहले यहाँ पे इसके लिए क्या है वो बताइए। जब ए अगर बी से ग्रेटर है तो क्या रिलेशन होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, बहुत सिंपल है। इसको ओपन कर दीजिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, मिल जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत लोग दिमाग मानने लगा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया भैया, मतलब कुछ नहीं आपको ए ही बताना है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट करके लिख दीजिए आपका आंसर। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर अपान फोर प्लस वाई स्क्वायर अपान नाइन इज इक्वल टू वन है ना, चूँकि यहाँ नाइन कर दीजिए क्योंकि ए ग्रेटर देन बी वाला केस है, यहाँ फोर कर दीजिए। इसका बताना है आपको फोकस, तो रूट में नाइन माइनस फोर है ना भाई, रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नाइन माइनस फोर मतलब कितना रूट में फाइव, तो इसका फोकस होगा प्लस माइनस रूट में फाइव कामा जीरो, है ना भाई, वही चीज़ तो है, प्लस माइनस ए।